हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस, और मैं हूं पुष्प। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं घातांक करनी से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए डालता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इससे मदद मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब के क्लिक कर दे, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे है एक्स पे पावर 3 2 एक्स इंटू एक्स पे पावर 4 और इक्वल टू है एक्स पे पावर पी। दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है तो मैंने इसके लिए आपको स्टेप बताया हुआ है नीचे में, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्स पे पावर 3 इंटू 2 है और इंटू एक्स पे पावर 2 और 2, ये और ये, इसको मैंने क्या किया है दोस्तों, ये और ये 2 पे पावर 2 मैंने इसको तोड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से ये एक्स पे पावर 10 जो है, इसको मैंने इस तरह से लिखा है, जो कि एक्स पे पावर 2 इंटू 5 है दोस्तों। ये हो गया पहला स्टेप। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा स्टेप जो है एक्स पे पावर 6 प्लस 4, ये क्या किया गया है दोस्तों, ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ से मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया गया है जो 6 प्लस 4 हो चुका है। तो उसी तरह से दोस्तों, ये वाला जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे जो माइनस हो जाएगा, जो इस तरह से मैंने आपको दिखाया है। तो ऊपर आएगा तो ये 10 में -10 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से लिखना है x+4 और -10। तो ये x के सारे पावर्स हैं, ये x के क्या है, सारे पावर्स। तो इज इक्वल टू x पे पावर p है, और हमें p का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे दोस्तों, तो उसी तरह से यहाँ पे सीधा सिंपल लिखा हुआ है x पे पावर p, 6+4 और -10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए p का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है 3 पे पावर m² और भागा 3 पे पावर m और ब्रैकेट में साथ में पावर है 2, और फिर इसको ब्रैकेट लगाया गया है इसके पावर है 1/m और इज इक्वल टू 81 है। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है दोस्तों, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ये 3 पे 3 3 बेस जो क्या है दोस्तों, ये सेम है, तो हम सिर्फ पावर ले लेंगे। तो m स्केयर ले लेंगे यहाँ से, फिर 2, ये जो m और 2 है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो 1 इंटू m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m नीचे आ जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4। ये 4 कैसा है दोस्तों, यहाँ से हम पावर ले लेंगे, 3 पे पावर 4 क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, 81 होता है दोस्तों। अगले स्टेप में क्या करना है, फिर यहाँ से m क्या करना है दोस्तों, कॉमन निकाल लेना है। m क्या करना है दोस्तों, कॉमन निकाल लेना है ऊपर से। m स्केयर था तो 1m यहाँ आ गया, और यहाँ पे 1m था जो बाहर चल गया, तो यहाँ सिर्फ 2 बच गया। तो दोस्तों, उसी तरह से इक्वल टू 4 और बाकी स्टेप सेम है m, तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये m और ये m क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ इसको, ये m और ये m क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो ये m-2 और इज इक्वल टू 4, और 2 इस तरफ अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो यही दोस्तों आंसर है इसका। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, 2 पे पावर n और 2 पे पावर n-1 और नीचे क्या है दोस्तों, 2 पे पावर n+1 और -2 पे पावर n, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसा है दोस्तों, 2 पे पावर n+2n, ये इसका अगला स्टेप है।
ये इसका क्या है दोस्तों अगला स्टेप, 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर n डॉट लगाएंगे, फिर 2 पे पावर -1 लिखेंगे। यहाँ जो 2 पे पावर n है इसको अलग और 2 पे पावर -1 को अलग से हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो सके। उसी तरह से दोस्तों नीचे वाले स्टेप में क्या करना है, यहाँ जो ये नीचे वाला स्टेप है इसमें क्या करना है, यहाँ भी अलग अलग ले लेंगे, 2 पे पावर n डॉट 2 पे पावर 1, इसको क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे और ये एज इट इज रहेगा। चलिए दोस्तों अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है। अगला स्टेप यहाँ से है, ये इसका अगला स्टेप है। तो क्या करना है, 2 पे पावर n क्या करना है, कॉमन ले लेना है और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 और +1/2 बच जाएगा। ये जो है ना ये इस तरह से आ जाएगा, 1 पे 1/2 हो जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए पावर नीचे आ जाता है। तो नीचे अब ये वाला स्टेप क्या करना है दोस्तों, नीचे वाला स्टेप को, ये नीचे वाला स्टेप है, 2 पे पावर n और 2 पे पावर -1 और -1, 2 पे पावर n कॉमन आ गया था तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों, 2 पे पावर 1, और ये जो माइनस के बाद वाला अंक है 2 पे पावर n, यहाँ क्या आ गया दोस्तों, -1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पे पावर n और 2 पे पावर n क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पे पावर -2 प्लस -2 और ब्रैकेट के ऊपर 2 है यानी पावर में इज इक्वल टू वाट, यानी इसको फाइंड आउट करना है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे -4 और फिर -4 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग वे है, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह से लिख लेते हैं लेकिन उसका आंसर गलत आता है। तो ये सही वे नहीं है, ये रॉन्ग वे है। इसका सही वे जो है दोस्तों वो ये है। इसको क्या करना है, 2 पे पावर -2 जो है इसको पहले पॉजिटिव बना लेंगे, यानी कि नीचे कर लेना है पहले। तो इस तरह से दोस्तों ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है, जो कि आप देख सकते हैं ये इसका राइट वे है। इसको पहले हमने पॉजिटिव बना लिया है, फिर इसको मैंने यहाँ पे लिखा है 1/4 और प्लस। अब ये वाला स्टेप दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये वाला स्टेप आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 और -2 क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव का हो जाता है। तो पॉजिटिव का क्या होता है, पॉजिटिव का 4 हो जाता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इसमें एलसीएम तो जानते ही होंगे, 1/4 + 4 इज इक्वल टू 17/4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।